तो दोस्तों काफी बच्चों का एक सवाल आ रहा था कि क्या तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा होगी। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। और दोस्तों आपको बता दें, तृतीय सेमेस्टर प्रमोट महाधरना। जी हाँ दोस्तों, आज तारीख 16 अगस्त को देखिए एक धरना है। अगर ये धरना सफल होता है तो गाइस डेफिनेटली तृतीय सेमेस्टर प्रमोट की नोटिस जल्द से जल्द जारी हो जाएगी। और आपको बता दें, उसके बाद दोस्तों हमारा फोर्थ सेमेस्टर की डेट शीट को भी जारी किया जाएगा और हो सकता है कि प्रथम सेमेस्टर का जो हमारा रिजल्ट है उसको भी जारी किया जाए। जी हाँ दोस्तों, छात्रों की ये तीन मांग है, एक तो तृतीय सेमेस्टर प्रमोट की नोटिस, चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट और प्रथम सेमेस्टर प्रमोट का रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपको नई भर्ती पे मौका तभी मिलेगा जब दोस्तों ये तीनों चीजें कंप्लीट होंगी। ठीक है, सिर्फ प्रमोट की नोटिस आने से आपको नई भर्ती में मौका नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आगे का जो प्रोसेस है उसको भी जल्द से जल्द करना पड़ेगा। और देखिए, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो डीएलएड छात्रों के साथ ये बड़ा धोखा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में कुछ और बड़ी अपडेट को देखेंगे, जैसे कि दोस्तों डीएलएड स्कूटनी का रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए लिंक दिया गया है, जहां पर दोस्तों आप जाकर ठीक है अपना स्कूटनी का रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। ठीक है, पीडीएफ में दोस्तों स्कूटनी का रिजल्ट रखना जरूरी होता है, नहीं तो काफी बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर रख लेते हैं। ठीक है, हो सकता है कि कभी न कभी जरूरत पड़ जाए। और देखिए दोस्तों, पीएनपी की तरफ से जो भी अपडेट्स है उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों हमें आपको वेबसाइट बता रखी है, उस वेबसाइट को भी आप लगातार चेक करते रहिएगा। वेबसाइट का नाम है DELEDDLED.com। जी हाँ दोस्तों, इस वेबसाइट पर आपको दीक्षा ऐप का लिंक भी दे दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें, इस वेबसाइट पर आपके सारे सेमेस्टर के नोट्स मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है, अगर आपके पास फोर्थ का नोट्स नहीं तो आप इस वेबसाइट पर जाकर ठीक है जितनी भी दोस्तों वीडियोस हैं, चाहे बहुविकल्पी हो, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी हो, सारी दोस्तों वीडियोस आपको इस वेबसाइट के माध्यम से मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। बाकी डीएलएड का ऐप भी दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ से आपको शॉर्टकट हो, ठीक है, बार बार दोस्तों ढूंढने की जरूरत ना पड़े। तो ये दोस्तों पूरा मैटर रहा इस वेबसाइट के बारे में। अब देखिए गाइस, आपको बताते हैं, फेल छात्र इस समय सबसे ज्यादा परेशान है। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे 2017 बैच के हैं, 18 बैच के हैं या 19 बैच के हैं, ठीक है 17 बैच हो, 18 या 19 हो, सभी बच्चे परेशान हैं। बच्चों को दोस्तों डर है सिर्फ नई शिक्षक भर्ती से बाहर होने का, बाकी दोस्तों और कोई डर नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि अगर नई भर्ती का विज्ञापन अगले 1 से 2 महीने में जारी हो गया तो काफी बच्चे नई भर्ती से बाहर हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए आज 15 अगस्त हमारा कंप्लीट हो चुका है और काफी बच्चे दोस्तों इस वीडियो को 16 तारीख को देख रहे होंगे, 16 अगस्त को। ठीक है, तो सारी अपडेट्स को हम कवर करेंगे। तो दोस्तों आपके मन में यहाँ पर एक सवाल होगा कि क्या धरने से ही सभी चीज का हल निकलेगा। तो दोस्तों देखिए, क्या किया जाए, इतना ज्यादा समय बीत चुका है, प्रमोट का आश्वासन काफी बार दिया जा चुका है, लेकिन आपको पता है दोस्तों अभी तक आप लोग प्रमोट हो नहीं पाए। जी हाँ दोस्तों, बार बार सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, प्रमोट नहीं किया जाता। तो गाइस देखिए, जब तक हम प्रमोट नहीं होंगे तब तक तो देखिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। और आप लोग भी दोस्तों मुहिम में अधिक से अधिक बच्चे जुड़े और वीडियो को शेयर करके अपना सपोर्ट दें। जी हाँ दोस्तों, देखिए आज ऐसी नौबत आ चुकी है क्योंकि अब दोस्तों ऐसा भी लग रहा है कि ठंड का पेपर भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपका डाउट जो है ना वो जायज डाउट है। अब आपको बता दिए डाउट क्यों हो रहा है। देखिए 10 नवंबर तक भाई आपका दीक्षा ऐप के माध्यम से इंग्लिश का कोर्स चलेगा। तो गाइस, अगर दीक्षा ऐप पर पढ़ाई शुरू की गई तो मान के चलिएगा 3 नहीं 6 महीने भी कर सकते हैं। और आप बताइए 2021 में क्या कोई पेपर नहीं होगा, सवाल दोस्तों यहाँ ये खड़ा हो रहा है। ठीक है ना, अगर इनकी बात मानी जाए तो फिर 2021 में कोई पेपर ही नहीं हो पाएगा। और जो दीक्षा ऐप पर दोस्तों आपका कोर्स है वो 2022 तक चल सकता है। तो फिर 2022 में आपको पता है तब तक कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और उसके बाद चुनाव भी होना है। जी हाँ दोस्तों, काफी ज्यादा दिक्कतें आ जाएंगी। और आपको जैसा कि पता है कि पंचायत चुनाव के कारण कुछ पेपर को दोस्तों निरस्त कर दिया गया था, रोक दिया गया था। तो ये तो बात है, जब दोस्तों आपको अच्छे से पता है तो फिर डीएलएड का पेपर भी टल सकता है उस चुनाव में। तो अभी डीएलएड का पेपर हो जाएगा तो बहुत ही बेहतर है। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट्स निकल कर आएंगी डीएलएड परीक्षा को लेकर, वो अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप लोग को दोस्तों करना है क्या है, परीक्षा की तैयारी अच्छे से करनी है। एक और अपडेट दोस्तों आती है अफगानिस्तान से कि तालिबानी आतंकवादियों के कब्जे में अफगानिस्तान आ गया है, राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। तो गाइस, आप सोचे थे टेक्नोलॉजी होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, बताइए तालिबान ने आतंकवादी कब्जा कर लेते देश पर। ठीक है, बाकी दुनिया के इतने बड़े बड़े पावरफुल देश है, कुछ करते नहीं है। जी हाँ दोस्तों, खाली आप लोग किताबों में पढ़ते हैं कि यार ये देश तो बहुत ही मजबूत है, लेकिन समय आने पर कोई भी दोस्तों देखिए किसी की मदद नहीं करता। आप समझिए दोस्तों यहाँ से ही सब कुछ। ठीक है, आपको लगता होगा दोस्तों नहीं भाई ये सब लोग हैं बचा लेंगे, लेकिन रियालिटी आपके सामने,
कोई मुसीबत में साथ नहीं देता। तो गाइस यहाँ पर समझिए 2019 बैच के छात्र, प्रमोट का दोस्तों धरना हमारा है, ठीक है, जब तक हम खुद संघर्ष नहीं करेंगे तब तक प्रमोट की नोटिस नहीं आ सकती, इसलिए अधिक से अधिक बच्चे जुड़े, किसी के भरोसे आपको नहीं बैठना है। तो गाइस आप लोग इस मुहिम को दोस्तों आगे बढ़ाइए ताकि हमारा प्रमोट का धरना सफल हो और दोस्तों जल्द से जल्द प्रमोट की नोटिस हमारे हाथों में हो। जी हाँ दोस्तों, पिछली बार 14 दिन का लिखित आश्वासन दिया गया, पूरी उम्मीद दोस्तों लग रहा था, पिछली बार लगभग लग रहा था 99% की हम लोग प्रमोट हो गए, लेकिन दोस्तों आज फिर से वही कंडीशन है जो कि कुछ दिन पहले थी। ठीक है, फिर से दोस्तों एक बार धरना दिया जाएगा और एक बार रिमाइंडर दिया जाएगा, भाई कुछ तो दीजिए आप लोग, प्रमोट करेंगे नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, छात्रों के साथ अन्याय करना बंद करिए, नहीं तो देखिए डीएलएड छात्रों का भविष्य चौपट करके बैठेंगे और 2021 बैच का एडमिशन हो रहा है आपको पता होगा। देखिए दोस्तों, बच्चे सवाल इसलिए खड़ा करते हैं ना कि 2021 बैच के जो एडमिशन का प्रोसेस हो रहा है उनके लिए भैया जो डेट बढ़ानी थी अप्रूवल तुरंत हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तृतीय सेमेस्टर प्रमोट की नोटिस हो, प्रथम सेमेस्टर प्रमोट का रिजल्ट हो। जी हाँ दोस्तों, दोनों चीजों में देखिए दिक्कतें आ रही हैं और आपको बता दें अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है आज की डेट तक कि ये फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट कैसे घोषित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जिन बच्चों की बैक लगी है क्या उन बच्चों का रिजल्ट आएगा कि उन बच्चों का रिजल्ट रोक दिया जाएगा, बाद में आएगा, या जो जब बच्चे सेकेंड सेमेस्टर की अपनी परीक्षा कंप्लीट कर लेंगे पास हो जाएंगे तब उनका रिजल्ट आएगा, ये ढेर सारी दोस्तों कन्फ्यूजन बरकरार है। तो गाइस आप लोग हमारे साथ वीडियो में बना रहा करिए, हर एक अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो बिल्कुल सही खबर होगी, ऑफिशियल अपडेट होगी, वही खबर दोस्तों हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए और प्रमोट की दोस्तों जो अपडेट्स है धरना की पल पल की अपडेट्स के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। जी हाँ दोस्तों, देखिए कमेंट बॉक्स में हमने दीक्षा ऐप का दोस्तों लिंक आपके लिए दे रखा है जहाँ पर जाकर आप इंग्लिश की पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कोर्स चलना नहीं चाहिए, इसका विरोध सभी बच्चे कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ आपके काम की है देखिए जहाँ से आपको फायदा हो, पढ़ाई में मदद मिल सके कम से कम उसको तो पढ़ लेना है। बाकी देखिए हमने सीरीज से आपके लिए सारी वीडियोस बना रखी है इंग्लिश की भी, ऐसा नहीं कि हमने वीडियोस नहीं बनाई है, तब भी दोस्तों होता है ना कि जितना हमें पढ़ने के लिए कंटेंट मिल जाए उतना बेहतर है। पढ़ते रहिए आप लोग, परीक्षा दोस्तों जल्द से जल्द होगी और आपको बता दें इस बार जो परीक्षा का लेवल होगा पिछली बार से ज़्यादा वो हार्ड हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा कठिन होने के कारण क्या है, बच्चों का सवाल ये भी था यार पेपर कठिन क्यों बनाया जाएगा, आखिर ऐसा क्या दिक्कत है, क्या रीजन है? सबसे बड़ा दोस्तों रीजन ये है ना परीक्षा कठिन का, क्योंकि बच्चे जब धरना देते हैं तो पीएनपी की बौखलाहट सामने आती है। जी हाँ दोस्तों, हर बार पेपर ये कठिन बना देते हैं। तो गाइस आप लोग उस स्तर पर अच्छे से तैयारी रखिएगा, इस बार लापरवाही नहीं होनी चाहिए, बैक नहीं लगनी चाहिए, अगर बैक लगी तो आपको पता है कि आप एक साल पीछे होंगे और सीधे तौर पर नई भर्ती से बाहर होंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, कमेंट बॉक्स में सब कुछ लिंक दिया गया है, प्रमोट की पल पल की अपडेट, तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर डेट सीट। जी हाँ दोस्तों, थर्ड सेमेस्टर में 40,000 से ज्यादा बच्चे बैक पेपर की परीक्षा देंगे, उसके बाद 19 बैच के छात्र हैं, मिलते हैं एक और वीडियो में। और बाकी फोर्थ का पेपर जो भी दोस्तों अपडेट्स है कि आपके सामने रखेंगे, थर्ड का पेपर होगा या नहीं ये दोस्तों हमारा धरना ही डिसाइड करेगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।